एवरीवन, वेलकम टू उत्तराखंड अध्यापक। मैं मेघा जायसवाल लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो। तो आज की जो वीडियो है वो बीएड एंट्रेंस एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका पिछले साल का, यानी कि आपका जो 2022 का बीएड एंट्रेंस एग्जाम हुआ था कुमाऊं यूनिवर्सिटी का, उसको हम डिस्कस करने वाले टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन को। ठीक है, मैंने वैसे आपको सिलेबस के बारे में बता रखा है। आपका एक लैंग्वेज टेस्ट होता है, एक जनरल नॉलेज और रीजनिंग आती है उसमें, और एक टीचिंग एप्टीट्यूड का आपका सेक्शन होता है। ये सब 50-50 मार्क्स के आपके होते हैं। तो चलिए चेक करते हैं यहाँ पर। तो ये है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का सेक्शन। आपके क्वेश्चन नंबर शुरू हो रहे हैं 101 से। तो देखिए टोटल 50 क्वेश्चंस हैं, चेक करते हैं इनको एक एक करके। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, शिक्षण के समय पाठ में छात्रों की रुचि बनाए रखने हेतु शिक्षक को निम्न क्रिया करनी चाहिए, अंतःक्रिया, व्याख्यान विधि, श्याम पट पर केवल लेखन या मौन रहना। तो देखिए अगर आपको बच्चों के साथ इंटरैक्शन बना के रखना है तो आपको बच्चों के साथ क्या करनी पड़ेगी, इंटरैक्ट करना पड़ेगा। आपको अगर उनकी रुचि बना के रखनी है तो आपको उनके साथ इंटरैक्ट करना पड़ेगा, उनके साथ बातचीत करनी पड़ेगी, तभी जो है वो बच्चे आपके बातों में इंटरेस्ट लेंगे, आपके पढ़ाए हुए टॉपिक में इंटरेस्ट लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा शिक्षण दृष्टिकोण इस विश्वास पर आधारित है कि शिक्षक वह सब कुछ जानता है जिसे शिक्षार्थी को जानने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि टीचर को ही सुप्रीम कहा गया, कि टीचर को सब कुछ पता है कि बच्चे को क्या सीखना है। ये दृष्टिकोण हमें किसमें देखने को मिलता है? पहला आपका है ऑप्शन संरचनावादी निर्माणवादी दृष्टिकोण, सेकेंड है शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण, विषय केंद्रित दृष्टिकोण, या शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण। तो ये होता है आपका टीचर सेंटर्ड अप्रोच, यानी शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण में, जिसमें शिक्षक का ही महत्व होता है और बच्चों का महत्व यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, बच्चे सिर्फ यहाँ पैसिव लिसनर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 103। कक्षा में मानवीय वातावरण बनाने से आशय है कि छात्रों के साथ मानवीय संबंधों की स्थापना, अधिक गृहकार्य देने से, रटने पर अधिक बल देने से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए आप ह्यूमैनिटेरियन एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे भी जो है ह्यूमन बीइंग है, आपको उनके साथ मानवीय रूप से ही क्या करना है, आपको इंटरैक्ट करना है। तो यहाँ पर आपका जो सही ऑप्शन होगा वो है छात्रों के साथ मानवीय संबंधों की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्न में से कौन सा कारक बच्चों में दृष्टिकोण के विकास को प्रभावित नहीं करता? ग्रह, समकक्ष व्यक्तियों का समूह, राष्ट्रीय संस्थान, या विद्यालय। तो बच्चों के जो आइडियाज होते हैं या बच्चों के अंदर जो एटीट्यूड होता है, दृष्टिकोण होता है, वो किन चीजों के ऊपर निर्भर करता है? नहीं, घर से तो बिल्कुल आएगा उनके अंदर, जो भी उनके अंदर परिवर्तन है, जो उनका एटीट्यूड है, जो उनके बिलीव्स है, विश्वास है, जैसा भी वो व्यवहार करते हैं, वो सब कहीं ना कहीं मैंने घर में देखा है, सीखा है, अपने साथ के जो उनके समूह के व्यक्ति हैं उनसे भी सीखा है। राष्ट्रीय संस्थान इसमें कोई ऐसी भूमिका नहीं निभाते, विद्यालय में तो बच्चे सीखते हैं। तो आपका कौन सा नहीं है पूछा है, कौन सा प्रभावित नहीं करता, तो वह है आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक वास्तविक शिक्षक वह है जो समाज की बाध्यताओं से मुक्त हो, जिसने शिक्षक संघ का निर्माण किया हो, रूढ़िवादी हो, उत्तरदायी ना हो। तो देखिए यहाँ पर एक वास्तविक शिक्षक वह होता है जो समाज की बाध्यताओं से मुक्त होता है। सही शिक्षा देनी है आपको, कंपल्शन जो सोसाइटी के होते हैं उनको लेकर नहीं चलना है। यदि आपके शिक्षण के समय कोई छात्र आपके प्रश्न का उत्तर ना दे पाए तो आप उसका अपमान करेंगे, उसे सही उत्तर बताएंगे, यह समझने का प्रयास करेंगे कि वह छात्र सही उत्तर देने में समर्थ क्यों नहीं था, छात्र को और अधिक परिश्रम से अध्ययन हेतु सुझाव देंगे। तो देखिए यहाँ पर काफी सारे ऑप्शन जो है आपको सही लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, बच्चा जब आंसर नहीं कर पाता तो हमें इसके पीछे की वजह जानने की कोशिश करनी है कि बच्चा क्यों आंसर नहीं कर पाया, कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आप शिक्षा व्यवसाय को पसंद करते हैं क्योंकि अध्यापक की उपस्थिति में बच्चे शैतानी नहीं करते, आपके माता पिता ने आपको बताया है कि शिक्षण एक सम्मानित व्यवसाय है, आप शिक्षण में रुचि रखते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा कि आप शिक्षण में रुचि रखते हैं, इसीलिए टीचिंग प्रोफेशन जो है आपको पसंद है। कक्षा शिक्षण को और अधिक प्रभावशाली बनाने का एक उपाय है गृह कार्य अधिक दें, कक्षा शिक्षण के उपरांत ट्यूटोरियल दें, कक्षा में पढ़ाए गए प्रकरण से संबंधित प्रश्न पूछे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कक्षा शिक्षण को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कक्षा शिक्षण के उपरांत ट्यूटोरियल दे सकते हैं। ठीक है, अलग अलग बच्चों को जो है बता सकते हैं, जहां जहां बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है उन प्रॉब्लम्स को हम क्या कर सकते हैं और ज्यादा अच्छी तरीके से डील कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षक के किस गुण से सामान्यतः छात्र प्रभावित हो जाते हैं? उसके अंतर्मुखी व्यक्तित्व से, उसके उच्च नैतिक चरित्र से,
उसके प्रधानाचार्य के साथ संबंधों से या प्रबंध समिति से उसके संबंधों से। तो यहाँ पर बच्चे कौन से गुण को बहुत ज्यादा अच्छा मानते हैं, जब टीचर का जो नैतिक चरित्र होता है, मॉरल करेक्टर, वो काफी हाई होता है, क्योंकि बच्चे जो है टीचर्स को एक आदर्श के रूप में देखते हैं। जैसा उनको लगता है कि भाई टीचर ये चीजें करते हैं, तो उसकी अगर वो डिसिप्लिन में रहेंगे या उनमें अच्छी आदतें दिखेगी, वही टीचर्स जो है बच्चों के आदर्श बन जाते हैं और बच्चे जो है उनसे बहुत कुछ सीखते हैं और बच्चे उन्हें पसंद करते हैं। तो हाई मॉरल करेक्टर जहां दिखाई देगा वहां पर बच्चे उस टीचर से प्रभावित होंगे। किसी निष्ठावान शिक्षक को प्रोत्साहित करने के सर्वोत्तम विधि है उसे पुरस्कार प्रदान कीजिए, उसके कार्य की निंदा करके उसके वेतन को रोकना या समय समय पर उसके कार्य की प्रशंसा करना। तो सही ऑप्शन क्या होगा, अगर हमें किसी टीचर को प्रोत्साहित करना है तो समय समय पर उसके कार्य की क्या करनी होगी, हमें प्रशंसा करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक होने के नाते आप केवल एक विशिष्ट बालक की व्यक्तिगत समस्या को सुनेंगे, छात्रों की समस्याओं को सुनेंगे, छात्रों की समस्याओं को नहीं सुनेंगे या छात्रों को धमका देंगे। तो एक अध्यापक होने के नाते आपको क्या करना है, आपको सभी बच्चों की समस्याओं को सुनना है। नेक्स्ट है, कुछ छात्र चुपचाप ही विद्यालय से भाग जाते हैं, ऐसे छात्रों के व्यवहार को रोकने के लिए आप करेंगे, वो स्कूल से क्यों भाग जाते हैं इसके कारण को जानने का प्रयास करेंगे, उन छात्रों को दंड देंगे, भविष्य में विद्यालय में आने की अनुमति नहीं देंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए आजकल का जो डिसिप्लिन है वो हम क्या कोशिश करते हैं कि बच्चों के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन है। तो अगर बच्चा गलतियां करता है या फिर कहीं वो लैग बिहाइंड कर रहा है तो हमेशा क्या सही उत्तर होता है, हम ये जानने की कोशिश करें कि बच्चे को ये प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है या बच्चा ये इस तरह का व्यवहार क्यों दिखा रहा है, उसके पीछे का कारण हमें जानना है, उस कारण को जो है हमें फिर सुधारना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन होगा वो स्कूल से क्यों भाग जाते हैं इसके कारण को जानने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, एक उत्तम अध्यापक वह है जो अपने छात्रों को नेतृत्व प्रदान करता है, छात्रों के सर्वांगीण विकास में रुचि लेता है, अनुशासन का कठोरता से पालन करता है, उपरोक्त सभी। तो देखिए एक उत्तम अध्यापक कौन होगा, बिल्कुल जो अपने छात्रों को नेतृत्व प्रदान करेगा, बिल्कुल सर्वांगीण विकास में रुचि लेगा, ये भी बिल्कुल सही है, और अनुशासन का कठोरता से पालन करेगा, ये भी सही है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा कक्ष में अधिक अनुशासनहीनता प्राय तब फैलती है जब शिक्षक शिक्षार्थी का अनुपात उचित नहीं है, बच्चों को व्यस्त रखने हेतु पर्याप्त कार्य नहीं है, शिक्षक कक्षा कक्ष शिक्षण को पर्याप्त रूप से रोचक बनाने में असफल है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए जब भी बच्चों के ऊपर क्वेश्चन आएगा कि बच्चे आपकी टीचिंग में इंटरेस्ट नहीं ले रहे या जब आप पढ़ा रहे हैं तो बातें कर रहे हैं इधर उधर उनका ध्यान है, तो आपका जवाब हमेशा ये होना चाहिए कि शिक्षक जो है कक्षा कक्ष शिक्षण को पर्याप्त रूप से रोचक बनाने में असफल है। आपको हमेशा क्या करना है, फिर अपना टीचिंग मेथड को है फिर से चेक करना है, फिर से रिवाइज करना है या फिर से उसे वहां पे चेंज करना है जिससे कि बच्चे आपकी टीचिंग में इंटरेस्ट लेना शुरू करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक छात्र के ने आपसे एक प्रश्न पूछा और आप उसका उत्तर नहीं जानते, तब आप क्या करेंगे, आप उस छात्र को डांट देंगे, उसके प्रश्न की उपेक्षा कर देंगे, उसमें कहेंगे कि उसका प्रश्न प्रसंग के बाहर का है, आप छात्र को आश्वासन देंगे कि उस प्रश्न का सही उत्तर पता करके अगले दिन उसे बताएंगे। तो देखिए टीचर भी क्या है, ह्यूमन बीइंग है, अगर बच्चे ने आपसे कोई ऐसा प्रश्न पूछ लिया जिसका उत्तर आपको उस समय नहीं आता तो आप उसको कह सकते हैं कि मैं इसके बारे में तुम्हें अध्ययन करके फिर से कल उत्तर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी उसे डांटना नहीं है या फिर ये नहीं कहना है कि तुम्हारा प्रश्न ही गलत है, आपको क्या बताना है उसे कि मैं इसका तुमको ठीक से एक बार पता करके एक बार इसको समझ के फिर तुम्हें उत्तर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को अपने छात्रों के नाम ज्ञात होने चाहिए जिसमें शिक्षक के अपने छात्रों के साथ संबंध सुदृढ़ हो जाएंगे, छात्र उद्दंडतापूर्ण व्यवहार की उपेक्षा करेंगे, छात्र अनुशासित रहेंगे, उपरोक्त सभी। तो देखिए जब टीचर को अपने सभी बच्चों के जो भी क्लासरूम में उनके नाम पता होते हैं तो एक तरह से देखा जाए तो टीचर और जो स्टूडेंट है उसके बीच का रिलेशनशिप और ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो यहाँ से सही उत्तर होगा, शिक्षक के अपने छात्रों के साथ संबंध सुदृढ़ हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, शिक्षक को समय पर विद्यालय पहुंचना चाहिए जिससे छात्र समय निष्ठा का पाठ सीखेंगे, छात्र अपना आत्मविश्वास खो सकते हैं, छात्र अपने शिक्षक पर विश्वास नहीं कर सकते, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उसके सीधा सा आपको देखिए आंसर यहाँ पे बिल्कुल ही स्पष्ट पता चल रहा है क्योंकि ये सारे ऑप्शन बिल्कुल ही गलत लग रहे हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, छात्र समय निष्ठा का पाठ सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 118, विद्यालय का निरीक्षण समय समय पर किया जाना चाहिए क्योंकि इस अवसर पर छात्रों पर ध्यान नहीं दिया जाता,
विद्यालय में कृत्रिम वातावरण तैयार किया जाता है, शिक्षकों को शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से विचार विमर्श का अवसर प्राप्त हो जाता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका क्या होगा, शिक्षकों को शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से विचार विमर्श का अवसर प्राप्त हो जाता है कि अगर कोई कमियां हैं, कोई खामियां हैं स्कूल में, उसको कैसे सुधारा जा सकता है और कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, ये तो आपका वही नहीं सकता कि छात्रों का ध्यान नहीं दिया जाएगा, कृत्रिम वातावरण तैयार करना ये भी गलत है, तो आपका सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है आपका बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ है बालक की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, जो बालक चाहता है उसे वह करने दिया जाए, बालक को खेलने दिया जाए या प्रत्येक बालक को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। तो बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है कि हम हर समय हर चीज में बालक की आवश्यकताओं का ध्यान रखें कि बच्चे की नीड्स क्या है, उसको उसी के अकॉर्डिंग हमें चीजें सिखानी है, वैसे ही सिखानी है, मेथड भी वैसे ही यूज करने, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग आजकल इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे जो है खेल खेल में एक्टिविटी करते हुए चीजों को सीखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई छात्र कक्षा कक्ष में अभद्र भाषा का प्रयोग करता है तो उस छात्र के इस व्यवहार का संभव कारण हो सकता है उसके घर पर वही भाषा प्रयोग की जाती हो, उसके पास पड़ोस में वही भाषा प्रयोग की जाती हो। उत्तर ए एवं बी दोनों सही है, ना तो उत्तर ए और ना ही उत्तर बी सही है, तो इसमें हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि कई बार जब बच्चों के मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं, अगर गलत भाषा या अभद्र भाषा हमें सुनने को मिल रही है, तो इसका मतलब या तो घर पे इस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है या उसने आस पड़ोस में ही कहीं कुछ लोगों को ऐसे बोलते हुए सुना है। क्वेश्चन नंबर 121, यदि एक अध्यापक किसी छात्र की भर्त्सना निंदा कक्षा में करता है तो इसके कारण उस कक्षा के समस्त छात्रगण उस अध्यापक के साहस की प्रशंसा करेंगे, प्रश्नगत छात्र अपना अपमान मानेगा एवं हतोत्साहित होगा, शिक्षक कभी भी छात्र की भर्त्सना या प्रशंसा कर सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, अगर हम सबके सामने जब है बच्चों की निंदा करते हैं, उसको डांटते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है, बच्चा अपना अपमान मानता है और वो हतोत्साहित हो जाता है। यदि एक छात्र बिना प्रेस किए हुए एवं गंदे गणवेश को पहनकर कक्षा में आता है तब आप उसे कक्षा में बैठने नहीं देंगे, कक्षा में उसका उपहास उड़ाएंगे, उसकी उपेक्षा करेंगे, उसे नम्रता के साथ बताएंगे कि कक्षा में बिना प्रेस के एवं गंदे गणवेश को पहनकर आना उत्तम आदत नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर ये भी गलत हो गया, सेकेंड वाला ऑप्शन है उपहास उड़ाएंगे ये भी गलत है, उपेक्षा करेंगे ये भी गलत है, आपका सही ऑप्शन क्या है, डी। नेक्स्ट है आपका उत्तम अधिगम हेतु कक्षा का वातावरण होना चाहिए, तो अच्छी लर्निंग जो है वो कब होगी, लोकतांत्रिक निरंकुश एकांतवादी अधिकारिक या उबाऊ, तो ये होगा आपका डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक जो आपका एनवायरमेंट है उसमें। नेक्स्ट है एक छात्र हेतु शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, विशेषण, संसाधन व्यक्ति, पथ प्रदर्शक, मित्र, उपरोक्त सभी, तो यहाँ पर सही आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि आपके लिए जो एक टीचर है, जो एक स्टूडेंट के लिए टीचर होता है, वो उसका फ्रेंड भी होता है, उसका मेंटर भी होता है और कहीं ना कहीं उसे का रिसोर्स पर्सन भी होता है जिससे वो बहुत कुछ सीखता है। ठीक है, नेक्स्ट है कक्षा कक्ष में समूह गतिविधियों के द्वारा छात्रों में निम्न में से किस विशेषता का विकास किया जाता है, नेतृत्व की भावना, अनुशासनहीनता, असहयोग या स्वार्थी। तो देखिए, अगर आप ग्रुप में एक्टिविटीज करा रहे हैं तो देखिए उसमें स्वार्थी, असहयोग, अनुशासनहीनता तो नहीं आएगी, उसमें क्या आएगा आपका नेतृत्व की भावना। प्राथमिक विद्यालयों में ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड का संबंध है आधारभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने से, शिक्षा के स्तरों को उठाने हेतु, छात्रों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराने से, शिक्षकों के प्रशिक्षण से। तो देखिए, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड के अकॉर्डिंग जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था शिक्षा के स्तरों को उठाना, रेज द स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी शिक्षक का संचार या संप्रेषण कौशल प्रभावहीन है तो निम्न में से कौन सी समस्या उत्पन्न हो सकती है, कक्षा में अनुशासनहीनता, कक्षा में छात्रों में रुचि में कमी, अनुपस्थित छात्रों की संख्या वृद्धि, उपरोक्त सभी। तो देखिए, अगर कोई टीचर जो है उसके अंदर अच्छे कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, वो अच्छी तरीके से अपनी बात रख नहीं पाता, तो बिल्कुल कक्षा में अनुशासनहीनता भी होगी, छात्रों की रुचि नहीं रहेगी, कक्षा बंक करेंगे बच्चे, ठीक है, वहां पे एबसेंट रहेंगे ज्यादा उस पीरियड बच्चे, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। एक अध्यापक होने के नाते क्या आप अपने छात्रों में भय का भाव निर्मित करेंगे, हाँ क्योंकि भय के बिना अनुशासन सुनिश्चित नहीं किया जा सकता, हाँ क्योंकि बिना भय के छात्र सीख नहीं सकते, नहीं इससे छात्रों में रचनात्मकता कम होगी, नहीं क्योंकि आपके विरुद्ध आपराधिक वाद दर्ज कराया जा सकता है। तो देखिए, जब कि आप बहुत ज्यादा जो है डर का जो माहौल है वो क्रिएट कर देंगे तो इससे बच्चों की रचनात्मकता खत्म हो जाएगी, क्योंकि बच्चा अगर कुछ भी नया क्रिएटिव सोच भी रहा है तो वो आप तक पहुंचेगा ही नहीं, वो आप तो आके बताएगा ही नहीं, कहीं ना कहीं मन में ही रखेगा और उसे पता है कि वो कुछ भी सोच ले, कुछ अलग कितना भी निकाल ले, वो कभी उसे एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा।
आपके विद्यालय में एक वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित की जाने वाली है एवं उसमें आपके छात्र भाग लेना चाहते हैं, तो आप उनका भाषण लिखेंगे, उनके भाषण बोलकर लिखवा देंगे, उनके भाषण को तैयार करने हेतु उन्हें पाठ्यपुस्तकें व अध्ययन सामग्री उपलब्ध करा देंगे, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, अगर बच्चों ने वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लिया है तो आप क्या करेंगे, आप उन्हें कुछ पुस्तकें वो सजेस्ट कर देंगे जहां से बच्चे जो है अपना भाषण को तैयार कर सकते हैं। हम उन्हें खुद से ये चीज प्रोवाइड करेंगे नहीं, लिखा लिखाया नहीं देंगे हम उसे, ठीक है। नेक्स्ट है, हम अपने छात्रों में स्व अनुशासन कैसे विकसित कर सकते हैं। उन्हें कठोर आचार संहिता में रखकर, समय समय पर उन्हें दंडित करके, विद्यालय के शिक्षकों के विषय में सूचना उपलब्ध कराकर, उन्हें उत्तरदायित्वों को सौंपकर। तो आज जो डिसिप्लिन, जिसकी हम सेल्फ डिसिप्लिन की बात करते हैं, वो बच्चों में इसी तरीके से लाया जाता है। अगर आप बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले काम देंगे तो बच्चे खुद से ही अनुशासित हो जाते हैं। एक अध्यापक से न्यूनतम संबंधित लक्षण है प्रभावशाली संचार कौशल, पाठ्यवस्तु पर आधिपत्य, राजनीतिक रूप से सक्रियता, छात्र के साथ उत्तम अंतःक्रिया। तो ये सब इम्पोर्टेंट है एक टीचर के लिए, लेकिन राजनीतिक रूप से सक्रियता टीचर के लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आंसर होगा सी। एक अध्यापक का अत्यधिक महत्वपूर्ण गुण है अधीता, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, अभिमानी होना, आत्मविश्वासी होना। तो इसमें कॉन्फिडेंट आएगा, आत्मविश्वासी होना। एक टीचर को कॉन्फिडेंट होना चाहिए, तभी वो एक क्लासरूम में इतने सारे बच्चों के सामने खड़े होकर अपना लेक्चर डिलीवर कर पाएगा। एक बालक जो कुछ अपने परिवार में या समुदाय में सीखता है उसे कहते हैं औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, संरचित शिक्षा, विद्यालय शिक्षा। तो जो बच्चा परिवार में सीख रहा है वो है एक तरह की इनफॉर्मल एजुकेशन, अनौपचारिक शिक्षा। एक अध्यापक को प्रश्न पूछना चाहिए संपूर्ण कक्षा से, सभी छात्रों से, एक विशिष्ट छात्र से, केवल आगे बैठने वाले छात्रों से, केवल पीछे बैठने वाले छात्रों से। तो एक टीचर को हमेशा जब क्वेश्चनिंग करनी चाहिए तो संपूर्ण कक्षा से करनी चाहिए, सभी छात्रों से करनी चाहिए। बालकों में अपसमायोजन की समस्या होती है, अभिप्रेरणा के परिणाम स्वरूप, भग्नाशा के परिणाम स्वरूप, कठोर परिश्रम के परिणाम स्वरूप, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, बच्चों के अंदर जो माल एडजस्टमेंट है वो कब आता है, जब बच्चे जो है फ्रस्ट्रेट होते हैं, ठीक है, फ्रस्ट्रेशन की वजह से आता है। अभिप्रेरणा है प्राकृतिक अवस्था, शारीरिक अवस्था, मानसिक अवस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, मोटिवेशन या अभिप्रेरणा जो है वो आपके मानसिक स्तर पर होती है, मानसिक अवस्था है, ठीक है। मन में जब आप कोई चीज बहुत मोटिवेटेड फील करते हैं तभी आप उस काम को करने के लिए तैयार हो पाते, तो ये एक मानसिक अवस्था है, साइकोलॉजिकल स्टेट। कक्षा में कमजोर छात्रों के प्रति एक अध्यापक का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, पूर्णतः अनभिज्ञतापूर्ण, कठोर एवं निरंकुशतावादी, सहानुभूति एवं मित्रतापूर्ण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कमजोर बच्चों के प्रति जो व्यवहार होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सहानुभूति एवं मित्रतापूर्ण। अध्यापन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, अध्यापन में यह भावना निहित होती है कि कुछ ना कुछ सीखता है वे, अध्यापन की यह विशेषता है कि अध्यापक और अध्येता के मध्य विशेष संबंध होता है। देखिए, ये सब सही लग रहे हैं। अध्यापन शिक्षा की एक आवश्यक शर्त है, होती शर्त तो होती है परंतु पर्याप्त या पूर्ण नहीं, अध्यापन के परिणाम स्वरूप बच्चे अनिवार्यतया सीखते हैं, ये गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी वाला हो जाएगा। ये ऐसा नहीं कह सकते हम कि अध्यापन, अगर आपने टीचिंग कराई है तो उससे बच्चा जरूर कुछ ना कुछ सीखेगा, तो ये जरूरी नहीं होता हमेशा, ठीक है। एक प्रभावशाली शिक्षा में सम्मिलित होता है केवल शिक्षक क्रियाशील होता है, केवल छात्र क्रियाशील होता है, अध्यापक एवं छात्र दोनों क्रियाशील होते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रभावशाली शिक्षण में दोनों क्रियाशील होते हैं। विद्यार्थियों को नियमित रूप से गृह कार्य देने का लाभ क्या है, स्वाध्याय की आदत डालना, विद्यार्थियों के माता पिता को उनके अध्ययन के विषय में सूचित करना, शिक्षकों के कार्य के बोझ को कम करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, विद्यार्थियों को जब हम नियमित रूप से गृह कार्य देते हैं तो हम उनके अंदर सेल्फ स्टडी की हैबिट डाल रहे हैं, ठीक है। क्लासरूम में तो पढ़ा दिया, लेकिन अब बच्चे खुद से भी पढ़े तो इसके लिए उन्हें होमवर्क दिया जाता है। कक्षा में शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछने का उद्देश्य है अनुशासन बनाए रखने हेतु, अपनी बुद्धिमता दिखाने हेतु, विद्यार्थियों के ध्यान आकर्षण हेतु, उपरोक्त में से कोई नहीं। उसका सही आंसर है ध्यान आकर्षण हेतु। लेक्चर मेथड में भी हम देखते हैं, लेक्चर जो है लगातार चलता रहेगा तो बच्चे बोर हो जाएंगे, इसलिए बीच बीच में क्या करना पड़ता है, क्वेश्चनिंग करनी पड़ती है बच्चों को इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए, उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए। प्रभुत्ववादी शिक्षण में केवल छात्र सक्रिय रहते हैं, केवल शिक्षक सक्रिय रहते हैं, न छात्र और एवं न ही शिक्षक सक्रिय रहते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रभुत्ववादी ऑटोक्रेटेड टीचिंग, इसमें सिर्फ शिक्षक जो है वो सक्रिय रहता है, बच्चे पैसिव लिसनर की तरह सुनते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द शिक्षण की कला व विज्ञान को संदर्भित करता है, प्रौढ़ शिक्षा, समाज विज्ञान, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र या पैडागॉजी। तो शिक्षा शास्त्र पैडागॉजी है, जिसमें टीचिंग जो को माना गया है कि वो एक आर्ट भी है और एक साइंस भी है।
निम्न में से कौन से शब्द का सर्वाधिक व्यापक अर्थ है? लक्ष्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, अनुदेशनात्मक उद्देश्य। तो देखिए आपके जो विस्तृत वह होते हैं या सर्वाधिक व्यापक अर्थ किसका होता है? लक्ष्य का। जो एम होता है, एम को प्राप्त करने के लिए आप बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं, उद्देश्य बनाते हैं। एम बड़ी चीज है, एक ज्यादा व्यापक चीज है। एक प्रभावशाली शिक्षा अधिगम प्रक्रिया का न्यूनतम संबंध होना चाहिए, रटने से, करके सीखने से, वाद विवाद, समस्या समाधान। अब देखिए प्रभावशाली शिक्षा में ये सारी चीजें तो बहुत सही लग रही है, करके सीखो, वाद विवाद करो, समस्या समाधान करो, रटना गलत है। ठीक है, रट कर हम नहीं कह सकते कि प्रभावशाली शिक्षण हुआ है। शिक्षण अभिक्षमता से तात्पर्य है शिक्षण के प्रति समर्पण, छात्रों को ज्ञान देने की तीव्र इच्छा, शिक्षण की क्षमता रखना, उपरोक्त सभी। तो वैसे तो अगर हम बिल्कुल लिटरल मीनिंग लें तो शिक्षण की क्षमता रखना ही इसका सही आंसर होगा, लेकिन अगर आप इसमें देखना चाहते हैं तो ये बातें भी सही है कि शिक्षा के प्रति समर्पण होना चाहिए और छात्रों को ज्ञान देने की तीव्र इच्छा भी होनी चाहिए। तो ये क्या हो गया? उपरोक्त सभी। एक लोकतांत्रिक शिक्षण है अध्यापक केंद्रित, छात्र केंद्रित, प्रधानाचार्य केंद्रित, प्रबंधक केंद्रित। तो लोकतांत्रिक में क्या होता है? टीचर और स्टूडेंट जो है दोनों ही एक्चुअली इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये छात्र केंद्रित है। व्याख्यान का प्रयोग डैश को उपलब्ध कराने हेतु किया जा सकता है, तथ्यात्मक सूचना प्रदान करने हेतु, उच्च स्तर पर संक्षिप्त विवरण देने हेतु, सैद्धांतिक रूप से व्याख्या करने हेतु, उपरोक्त सभी हेतु। तो देखिए आप लेक्चर मेथड से बिल्कुल तथ्यात्मक सूचना, जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो आप प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या क्या सही करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। हाईर लेवल पर आप अगर छोटा सा विवरण देना चाहते हैं, कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं, वो भी आप दे सकते हैं। और अगर आपको थ्योरेटिकली किसी चीज को एक्सप्लेन करना है तो भी लेक्चर मेथड यूज किया जाएगा। तो तीनों के लिए होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। श्याम पट पर लिखते समय अध्यापक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए? उत्तम लेखन, शब्दों को स्पष्ट बनाना, स्पष्ट चित्र आरेखन, उपरोक्त सभी। तो देखिए बिल्कुल सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, लेखन अच्छा होना चाहिए, शब्दों को स्पष्ट बनाना चाहिए, स्पष्ट चित्र आरेखन करना चाहिए, तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, लास्ट क्वेश्चन है आपका, पाठ शिक्षण के समय अध्यापक का ध्यान किस पर होना चाहिए? विद्यार्थी पर, प्रधानाचार्य पर, स्वयं पर, विद्यालय के प्रबंधक पर। तो पाठ शिक्षण के समय टीचर का ध्यान हमेशा, फोकस हमेशा किस पर होना चाहिए? विद्यार्थी पर या स्टूडेंट पर। तो ये थे आपके 50 क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड के, जो आपके लास्ट ईयर के एग्जाम में आए थे। हम और भी आपके इसके पार्ट्स डिस्कस करेंगे इस चैनल पर। इसके अलावा हमारा जो बीएड के नोट का कोर्स है वो यहाँ पर चल रहा है। अगर आपको हमारे नोट चाहिए या फिर आप उसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारी अचीवर्स ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी ऐप को डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाकर वहां चेक कीजिए। कुछ जो पीडीएफ्स हैं उनको मैं डाल दूंगी कम्युनिटी टैब पे एज अ सैंपल, आप देख सकते हैं कि उसमें से कितने क्वेश्चन फंसे हैं। ये टीचिंग एप्टीट्यूड का पूरा सेक्शन आपका बस उन्हीं 20-25 पीडीएफ से कंप्लीट हो जाना है, और कहीं भागने की इधर उधर देखने की जरूरत ही नहीं। इसके अलावा मैं जो प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे कराऊंगी उससे भी आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और एक बार जरूर ऐप को डाउनलोड करके इस कोर्स को चेक करना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।